मतलब ऐसी रिमझिम बारिश हो रही है जिसका अनुमान हम मतलब हम यहाँ पे लगा सकते हैं और हम दूर कल्पना ही कर सकते हैं। तो वहां पर एक फेड़ू का पेड़ था, फेड़ू के पेड़ के नीचे बकरी ने बच्चे को जन्म दिया, तो उसने देखा कि बाघ उस बकरी को नहीं मार रहा है बल्कि बाघ दूर से उसको देख रहा है और बकरी सींग से उस बाघ को भगा रही थी। तो वो व्यक्ति जो मसूरी गया नौकरी करने, ऐसा लग रहा है कि हम सीधे ऊपर ही जहाँ ये बादल लगे हुए, ये बादल हाँ ये बुरांसखंडा है, हाँ ये बुरांसखंडा है, बिल्कुल बुरांसखंडा के नजदीक है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये गांव कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, आप वीडियो देखते रहते हैं? हाँ देखता रहता हूँ। तो उसने वहां से खाल डाला, वो चटनी का शौक था, और उसने अपने घर के आंगन में उसको डाल दिया। तो नोटियाल जी यहाँ से चेंज हो गए हैं, इन्होंने हाईवे पे चलाया चमोली में, अब कच्ची रोड के ड्राइवर बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे सीट चेंज हो चुकी है और यहाँ से ड्राइव करेंगे महावीर सर। तो अभी तक जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो चला रहे थे हमारे अजय नोटियाल सर। तो अब हो चुकी है कच्ची रोड शुरू और अब कर रहे हैं महावीर सर ड्राइव। नमस्ते नमस्ते, कहाँ से आ रहे? कॉलेज से। हमने कहा तुम्हारे गांव में छापा मारते हैं ना। अच्छा ये बताओ तुम पहले की रोड कहाँ जा रही है इधर को? ये रिपोर्ट सर नमस्ते। और वो उनका मकान कहाँ है महावीर गुरु जी का? वो तो ऊपर है उनका। कितने दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर पैदल जाते हैं? नहीं नहीं वो बोल रहे यहाँ से, हाँ वो गाड़ी भी जाती है ऊपर 1 किलोमीटर। इधर को जाएंगे? नहीं इधर वहाँ पे धार में ना, वहाँ से मतलब ऐसे में मुड़ना है। अच्छा उधर नहीं जाना, नौकरी तरफ नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। तो ये विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं हमारे भूतपुर और अब कर रहे हैं अभी आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ। ये है नौगर गांव और आप देख रहे हैं कि यहाँ हम पहले आ चुके हैं और काफी अच्छे अच्छे मकान यहाँ पर थे, नए जमाने के जो मकान है आजकल सीमेंट वाले। और इसके सामने ठीक है आप देख रहे हैं ये कुंड है, ये किट है और वो थान है उस साइड को, और उसके बाद खनेरी और डांडे की बेली, इस प्रकार से गांव है यहाँ पर। और ये गांव, ये रोड जो है सीधे धनोल्टी जा रही है, नई रोड है ये वाली रोड, हाँ ये धनोल्टी जा रही है और इधर वाली ये आने वाले टाइम में बुरांसकंडा जाएगी ये वाली। तो यहाँ पर जो है, और ये सामने नौगर हाई स्कूल नौगर है यहाँ पर, ये सामने वाला हाई स्कूल नौगर है। और ये गाँव बहुत अच्छा, देखो आप साग सब्जी कितने लोग उगा रहे हैं यहाँ पर, गाँव में अभी भी बहुत सारे लोग हैं और इस गाँव के बहुत सारे लोग विदेशों में भी रहते हैं और गांव में भी हैं, जो घर में हैं वो खेती बाड़ी कर रहे हैं और बहुत अच्छी खेती यहाँ पर हो रही है। आप देख रहे हैं जिन्होंने गोभी यहाँ उगा रखी है, धूप बहुत अच्छा है यहाँ से, आप देख रहे हैं चारों तरफ दिखाई दे रहा है, बहुत नजदीक यहाँ से। अगर आप हवाई रेंज देखेंगे तो मुश्किल से 5-7 किलोमीटर पे धनोल्टी है, इधर बुरांसकंडा है। तो इस प्रकार से ये बहुत रमणीक स्थान है ये और प्रकृति के काफी करीब हम लोग। और इस समय रिमझिम बारिश आप देख रहे हैं, कितनी बारिश भी हो गई है, बारिश की फुहारें आ रही है। ये चीजें आपको दिल्ली मुंबई में नहीं मिलेगी, जहाँ पर आप एसी से भी ऐसी हवा नहीं निकलेगी, कूलर में भी वहाँ पे पानी डालेंगे तो इस प्रकार का पानी जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि पूरा मतलब ऐसी रिमझिम बारिश हो रही है जिसका अनुमान हम मतलब हम यहाँ पे लगा सकते हैं और हम दूर कल्पना ही कर सकते हैं, दिल्ली मुंबई में कल्पना कर सकते हैं इसकी। क्या है वो नकुर्ची? नकुर्ची डुंडा, डुंडा है वो सामने उधर। ठीक ठीक। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम जौनपुर के एक गांव में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जौनपुर के कई गांवों की हमने आपको यात्रा करवाई है, इसी क्रम में हम जा रहे हैं एक नए गांव। तो इस गांव के विषय में अभी मुझे ठीक ठीक पता नहीं है, तो हमारे साथ ही है महावीर सर, वो बताएंगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये गाँव कितना खूबसूरत लग रहा है, आपको अभी दिखाते हैं इस गाँव का सुंदर नज़ारा। तो आप देख सकते हैं ये गाँव कितना सुंदर है और इस तरीके से ये घाटी में बसा हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है गांव। और इन पहाड़ों के ऊपर जो ये बादल लगे हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं और गांव में इस समय पूरी हरियाली छाई हुई है, जिसके कारण से गांव काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और हम आए हैं फिडोकी गांव और थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं क्योंकि हमारे एक साथी हैं महावीर असवाल जी, वो टीचर हैं और उनके निमंत्रण पर हम गाँव के नज़दीक आए हैं। और क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे पुराने मकान हैं जिनको देखने के लिए की हमारी इच्छा होती है कि हम
पुराने से पुराने मकानों को देखें और उस समय की संस्कृति और सभ्यता का पता लगता है। जब भी हम किसी पुरानी कलाकृति को देखते हैं तो उसका एक तो टाइम पीरियड हमें पता लगता है, दूसरा ये है कि उस समय के लोग क्या सोचते थे, क्या करते थे, कैसे बनाते थे, वो चित्रों से और उन मकानों के भवन निर्माण से ही हम सभ्यता का पता लगाते हैं। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से उस समय के लोगों के रहन सहन के बारे में पता लगा, लेकिन अब क्योंकि ये 100-150 वर्ष पुराने मकान हैं तो ये 100-150 वर्ष पहले की बातें भी अगर हमें पता लगती है तो अपने आप में इतिहास है वो। तो आप देख रहे हैं ये फिडोगी गांव है और ये पहले गांव ऊपर है सर, ये ना ये वाला ये ऊपर वाला है, धीरे धीरे लोगों ने मकान नीचे बना दिए रोड की वजह से, रोड आ गई गांव के अंदर। तो नौटियाल जी कैसे लगा यहां से गांव? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम सीधे ऊपर ही जहां ये बादल लगे हुए, ये बादल हां ये बुरांसखंडा है, हां ये बुरांसखंडा है, बिल्कुल बुरांसखंडा के नजदीक है और इतना खुला एरिया सामने, ये सामने जो है हमारा भगवान दिखाई दे रहा है, वो नीचे है भगवान, नीचे ये भैम है, ये थान है। तो बने रहिए ब्लॉग के अंत तक, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जा रहे हैं फिडोगी, फिडोगी शायद है ना, हाँ नौटियाल जी भी पहली बार आ रहे हैं, पहली बार मैं आ रहा हूँ, ये भी नौटियाल जी हैं, वो भी नौटियाल जी। अरे नमस्कार सर। नमस्कार सर, और क्या हाल है आपके? नमस्कार नमस्कार, बहुत अच्छी जगह भी आपका घर। तो सर के साथ आज इस गांव में घूमने आए हम और सर हैं यहाँ ऊपर, आप स्कूल कौन सा सर आपका? जीपीएस आलूचक। जीपीएस आलूचक, यहाँ से कितनी दूर होगा? यहाँ से है जी 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। तो सर हैं जीपीएस आलूचक में टीचर्स और साथ ही इस गांव के रहने वाले। अरे तो पुराने दोस्त है। आप हैं महावीर असवाल और आप फिडोगी के निवासी हैं और एक गणमान्य व्यक्ति हैं गांव के और शिक्षित वर्ग से भी आते हैं और हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। आपका स्कूल यहीं पे नजदीक है और प्रकृति के सुंदर वादियों में आप रहते हैं, यहाँ पर आलूचक इनका स्कूल है और आपका घर है, तो अभी हम घर में तो जाएंगे, गांव में भी जाएंगे, शेष बातें वहाँ करेंगे ना। तो आपके नाम राशि? हाँ और आप हैं चौहान जी, वीरेंद्र चौहान जी से सब परिचित है। आप हैं नौटियाल जी, हिंदी में हमारे यहाँ पे है सर, आसान नहीं गांव में जाना ही। तो इस समय हम पहुँच चुके हैं महावीर सर के घर में, तो चलते हैं आपको भी दिखाते हैं उनका घर। और ये है महावीर असवाल जी का घर, आप देख सकते हैं असवाल जी ने घर को कितनी अच्छी लोकेशन में बनाया हुआ है और इसके ऊपर पूरा ये बांझ का जंगल है पूरा, और यहाँ पूरे ये पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, ऊपर बादल आसमान में और साथ ही यहाँ से दिखाई दे थान भवान घाटी का सुंदर नजारा। तो इस समय हम महावीर असवाल जी के घर में, सबसे पहले देखते हैं हम सर का पारंपरिक एक किचन बना रखा, कैसे बना रखा सर? देखो ना अंदर ही अंदर, हाँ धुएं के लिए। अच्छा ये धुएं के लिए बना रखा, अंदर ही धुआं जाएगा ऊपर सीधे। अच्छा छत में चिमनी होगी है। तो ये है इनका किचन, गैस भी रखी हुई है और साथ में वहाँ पे पारंपरिक एक चूल्हा भी बना रखा है सर ने। तो यहाँ पे हमारे सर श्री महावीर असवाल जी जिनके आज हम घर पे आए हुए हैं और आज हम आए इनके गाँव में। तो सर का घर तो हमने देख लिया, ये काफी सुंदर है घर, और गांव के विषय में सर से पूछते हैं फिडोगी के विषय में। ये हमारा मूल गांव है फिडोगी, जो पट्टी 10 जिला विकास क्षेत्र जौनपुर जनपद टिहरी गढ़वाल तहसील धनोटी के अंतर्गत आता है। इस गांव में तकरीबन 140 परिवार रहते हैं और ये कृषि प्रधान गांव जौनपुर में गिना जाता है और इस गांव का जो क्षेत्रफल है काफी बड़ा है और इसकी उपस्थिति फिडोगी मध्य आलूचक में भी है और वहाँ भी इनके मवेशी रहते हैं। इसमें 70 परिवार स्वर रहते हैं, 15 परिवार के आसपास कुंडी रहते हैं और ऐसे ही सेनवाल लोग रहते हैं और 2 परिवार पटियार रहते हैं। सबसे पहले जो कोली लोग हैं वो इस गांव में आए और इस गांव की झंडे की गली में बसे। अच्छा। और उसके बाद लोहार सतेंगल सकलाना से आए हैं, कुछ नाई लोग हैं ये थान से आए हैं और असवाल लोग बिरकोट गांव से आए हैं। वैसे मिर्चोरा टी असवाल से खंड कलजीखाल सिल पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल से आए हैं और आज से लगभग
400 साल पहले ये लोग आए हैं जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है। असवालों की यहाँ पर 17 पीढ़ियां हो गई है, तो अब लगा लो कि 350-400 साल के बीच में ये गांव है। एक भाई बिड़कोट रहा तो दूसरा भाई जब बकरी चराते आया, जो उसकी बकरी खो गई थी, तो वो जैसे ही यहाँ मनार चौक में आया जहाँ पर हमारा मंदिर है, तो वहां पर एक फेड़ू का पेड़ था। फेड़ू के पेड़ के नीचे बकरी ने बच्चे को जन्म दिया, तो उसने देखा कि बाघ उस बकरी को नहीं मार रहा है, बल्कि बाघ दूर से उसको देख रहा है और बकरी सींग से उस बाघ को भगा रही थी। तो उसने देखा कि ये जमीन कुछ ऐसी है कि जहाँ पर मानव बस सकता है, या कोई ऐसी जमीन हो सकती है जो भविष्य में डेवलप हो सकती है उस जमाने के अनुसार। तो उसने अपने वो बिड़कोट वापस गया और उसने अपने भाई को बोला कि मैंने कहीं जगह देख ली है और मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो वो एक भाई बिड़कोट ही रहा और वो दूसरा यहीं आ गए। तब से ये गांव फेडू के पेड़ से उसने अपनी झोपड़ी झापड़ी बनाई, उस जमाने बनाया होगा उसके कोई भी बच्चे होंगे छोटे जो भी होंगे। तो उसने पानी का भी वो हिसाब देखा कि यहाँ से पानी का गदेरा बहता था, पूरा जंगल होगा। तो उसने धीरे 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 करके वहाँ पर अपनी झोपड़ी बनाई और धीरे 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 करके आज ये पूरा ये गांव बन गया है और उस फेडू के पेड़ से इस गांव का नाम फेडोगी पड़ा है। तो बहुत सुंदर जानकारी दी सर आपने जी। फेडोगी जो गाँव का नामकरण कैसे हुआ और कितनी पीढ़ियां इस गांव में रहती है, तो काफी अच्छी जानकारी आपके द्वारा दी गई। हाँ सर, तो हमारे जैसे ये जो कुल पुरोहित हैं वो कुंड गांव है, पंडितों का गांव है सामने जो दिखाई दे रहा है, और वो हमारे कुल पुरोहित रहे हैं और ब्राह्मण लोग जो वो बताते रहते हैं कि आपका जो भी गोत्र के विषय में, पूजा के विषय में, तो उससे लगातार ये जो हिंदू धार्मिक जो हमारा चलता है कर्मकांड, तो वो सारी जानकारियों का आदान प्रदान होता रहता है। और जो हमारे रसोईया हैं और थान गांव के सेमवाल लोग हैं। तो इस समय हम जा रहे हैं फेडोगी गांव में और इस गांव के गणमान्य व्यक्ति श्री असवाल जी हमें करा रहे हैं गांव का भ्रमण। तो मेरे साथ ही समय है इस गांव के गणमान्य व्यक्ति शिक्षाविद श्री महावीर असवाल जी, जो हमें करवा रहे हैं अपने गांव की सैर। तो देखते हैं फेडोगी गांव, बने रहिए ब्लॉग के अंत तक। ये क्या है? ये झंगोरा है सर। ये झंगोरा है और इसके बगल में ये जो ये गोल वाला है, ये कोणी है सर। कोणी, ये कोणी है जी। और ये है तोर, तोर के साथ जो है वो छेमिया, या जिसको राजमा हम बोलते हैं, छेमी लगा रखी है। तो यहाँ पे आई है गाड़ी और जो यहाँ से ले जा रही है सामान, तो क्या माल ले जा रहे जा? जी सब्जी, सब्जियाँ ले जा रहे हो? मूली, धनिया पत्ता, गोभी। अच्छा है। तो इस गांव में काफी संपन्न गांव है, यहाँ होती है कैश क्रॉप और ये पूरा माल जाएगा। कहाँ जाएगा माल? रुड़की, देहरादून। रुड़की, रुड़की, रुड़की। अच्छा, यहाँ से सीधा जाएगा रुड़की। इधर भी दिखो। और ये गांव के लोग ला रहे हैं यहाँ पे मूली देने के लिए। कितने मेहनती लोग हैं। मेहनती लोग हैं, संपन्न रुड़की का बाजार। अच्छा। आज फेडोगी का ब्लॉग बनेगा। और ठीक है, आप वीडियो देखते रहते हो? हाँ, देखता रहता हूँ। ठीक है। ये सर क्या रही क्या का? अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सुंदर खेत हैं और ये गांव है कृषि संपन्न गांव। आप देख सकते हैं यहाँ हो रखी है पत्ता गोभी। साइड में जो है ये कद्दू की बेल है और इधर ये काकड़ी, खीरा जिसको हम बोलते हैं, और इधर जो है ये राजमा है। तो ये है मुंगरी, हमारी पहाड़ी भाषा में इसको बोला जाता है मुंगरी। और काफी बड़ा क्षेत्र है वहाँ से और ये पूरे यहाँ तक लोगों ने खेती की हुई है। कौन कौन सी फसलें होती सर यहाँ? जी यहाँ देख सकते हैं आप, इन क्यारियों में धान है और उसके बाद लोगों ने सब्जियां लगा रखी है,
मक्की है और ये राजमा है और धनिया बोते हैं इस समय और कहीं कहीं मूली है, चुकंदर भी है, कई चीजें हैं, साग सब्जियां जो नगद फसलें हैं। मतलब कृषि प्रधान गांव है, कृषि प्रधान गांव है और काफी संपन्न भी लग रहा है कृषि के क्षेत्र में। हाँ जी, क्योंकि पानी है यहाँ, पानी है, ये नहर है सर। ये नहर आती है, आज से 150 साल पहले बनाई गई थी। 150 साल पुरानी नहर, तो ये 150 साल पुरानी नहर, 150 वर्ष हो गए इस नहर। कच्ची कुल थी ये, अभी तो ये सीमेंट से बनी है, पर लेकिन इसमें पानी 150 साल पहले से आता है। अच्छा, पहले ये कच्ची रही होगी। जहाँ तक इस क्यारी का जो इतिहास है, इसका गांव से मैं थोड़ा हटके बता दूं। हाँ सर। हमारी जो ये रियासत है टिहरी गढ़वाल, तो जब राजा यहाँ आधिपत्य रहता था तो वो आते रहते थे, तो यहाँ कुमेथड़ी एक जगह है नीचे तल्ला फिडोगी में, वहाँ पर उनका कैंप लगा था। तो यहाँ पर एक सयाने होते थे बहुत पहले गांव में, तो हमारे गांव में एक खरपतवार है, उसको तिपत्या खाड़ कहते हैं गढ़वाली में। अच्छा। तिपत्या खाड़, और गांव वाले उसको खट्टो खाड़ बोलते हैं, फिडोगी खाड़। अच्छा। तो यहाँ क्यारिया नहीं थी, यहाँ ये ऊसर भूमि थी। वो व्यक्ति जो मसूरी गया नौकरी करने, तो उन्होंने वहां पर ये कोई ऐसा चीज अंग्रेजों के जमाने से वहां से लाया, जो इंग्लैंड से अंग्रेज मसूरी में आते रहते थे कोठियों में, और जो लोग नौकरी करने थे, तो उसने वहां से खाड़ लाया। वो चटनी का शौकी था और उसने अपने घर के आंगन में उसको डाल दिया। घर के आंगन में जैसे उसको डाला तो वो बिल्कुल आग की तरह फैल गया। वो दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, वो नौगर फैल गया, बिड़कोट फैल गया, डांडी की बिल्ली फैल गई, दरसियाल से साइड फैल गया, थान फैल गया, हर जगह वो जैसे आजकल लाल टीम फैली। तब क्या हुआ कि ये फसल सारी खराब हो गई। वो फसल नहीं हुई, उखड़ फसल जो उस जमाने में होती थी, जो जैसे हमारा मंडुआ है या झंगोरा, उस समय आलू साग सब्जी नहीं थी। तो तब जैसे नरेंद्रशाही जो राजा जी थे, उनका जब कैंप लगा तो वो सयाना की पत्नी गई और उन्होंने बोला ये क्या चीज है, तो उन्होंने झट से राजा ने पहचान लिया उसको, और उन्होंने उसको लिए कहा कि इसका जो इलाज है, इसका इलाज है कि आप इस गांव में जो है क्यारी बना लो और यहाँ पानी बना लो, इसको सेहरा बना लो। तो तब से ये जो है उन्होंने गूल निकाली आज से 150 साल पहले, और गूल बनाने के बाद जो है तब ये क्यारी बननी शुरू हो गई, और तब से लोगों ने फिर यहाँ जो है आलू की खेती करना शुरू कर दिया, और तब से इस गांव कृषि में जो है ज्यादा प्रोग्रेस हो गया तब से। यानी ये जो गूल है, ये नरेंद्र शाह जो टिहरी के वो थे, मतलब राजा, उन्होंने इनको एडवाइस मतलब सलाह दी थी। तो उनकी टाइम पे ये गूल बनी है। जी जी जी। और तब से ये गांव काफी संपन्न हो गया। आप देख सकते हैं गांव कितना सुंदर लग रहा है, और यहाँ पे भी कुछ लोग देख सकते हैं आप, मूली लेके जा रहे हैं बेचने के लिए। तो जैसे कि अभी असवाल जी ने बताया कि ये जो क्षेत्र है ये पहले इतना संपन्न नहीं था, बाद में यहाँ पे जो गूल बनी है उसके कारण से ये क्षेत्र काफी संपन्न हो गया, तो काफी सुंदर लग रहा है। और सर ठीक है? हाँ ठीक है, बढ़िया चल रहा काम धाम। देख सकते हैं गाँव में लोग कितना काम में व्यस्त रहते हैं, हाथ में ये टोकरी पकड़ी हुई है, सिर में घास ले जा रहे हैं। तो गांव की लाइफ काफी व्यस्त होती है, देख सकते हैं आप।